आई एम ए प्रेसिडेंट डॉक्टर आर वी अशोकन मंगलवार को पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट पर अपने विवादित बयान पर जवाब पेश करेंगे। भ्रामक विज्ञापन के मामले में 23 अप्रैल को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आईएमए को अपने डॉक्टरों पर भी विचार करना चाहिए जो अक्सर मरीजों को महंगी और गैर जरूरी दवाइयां लिख देते हैं। अगर आप एक उंगली किसी की ओर उठाते हैं तो चार उंगलियां आपकी ओर भी उठती है। कोर्ट की टिप्पणी को आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर आर वी अशोकन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। उनके बयान पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई थी और आईएमए प्रेसिडेंट को नोटिस जारी किया था। आईएमए की आलोचना में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप आईएमए कहते हैं कि दूसरा पक्ष पतंजलि आयुर्वेद गुमराह कर रहा है, आपकी दवा बंद कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे थे? हम स्पष्ट कर दें, ये अदालत किसी भी तरह की पीठ थपथपाने की उम्मीद नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस असहानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने 7 मई को आईएमए की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई की थी। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।